चलिए अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें दो सेंटेंस एक साथ इस्तेमाल होते हैं और उसमें एक सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब इससे पहले जो क्लॉजेस पर मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने तफसील से बताया था कि क्लॉजेस क्या होते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देखकर तफसील से समझ सकते हैं कि क्लॉजेस कौन कौन से हैं, किस उसके टाइप से क्या है, क्लॉज किसे कहते हैं, तो आप देखकर अच्छी तरीके से समझिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो सेंटेंस होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट या मेन और प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि आई फाउंड अ बर्ड विच वॉज इंजर्ड। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंस एक एग्जाम्पल देखी थी, आई फाउंड अ बर्ड, ये सिंपल सेंटेंस है। नाउ इन दिस एग्जाम्पल आई फाउंड अ बर्ड विच वॉज इंजर्ड। अब इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मुझे एक परिंदा मिला जो कि इंजर्ड था, जो कि जख्मी था। अब देखिए इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं दो पार्ट है, आई फाउंड अ बर्ड और विच वॉज इंजर्ड, ये दो पार्ट है। अब जब हम कहते हैं आई फाउंड अ बर्ड तो ये मेन क्लॉज है, ये हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या फिर कहेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा है विच वॉज इंजर्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है पहले सेंटेंस पर, है ना। जैसे हमने जब क्लॉजेस समझे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मेन क्लॉज जो होता है वो अपने मुकम्मल मानी रखता है, आई फाउंड अ बर्ड, मुझे एक परिंदा मिला, मुकम्मल मानी है। लेकिन हम जब कहते हैं कि विच वॉज इंजर्ड, जो कि जख्मी था, तो ये सेंटेंस जो मुकम्मल मानी नहीं दे रहा है, इट मीन्स इट इज डिपेंडेंट क्लॉज, ये पहले क्लॉज पर मुनसिर कर रहा है। इसके माने जब कंप्लीट होंगे, जब हम पहले जुमले को इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें के दो सेंटेंस एक साथ इस्तेमाल होते हैं। अदर एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो वो अदर एक सेंटेंस हम लेते हैं, आई वेंट टू स्लीप आफ्टर असाइनमेंट वॉज ओवर। आई वेंट टू स्लीप आफ्टर माई असाइनमेंट वॉज ओवर, यानी जब मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया तो मैं सोने के लिए चला गया। तो आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने के लिए गया, कब, आफ्टर माई असाइनमेंट वॉज ओवर, जब मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद। तो यहां पर जो सेकंड सेंटेंस है वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो दो सेंटेंसेस हैं, ये इसमें एक जो है दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, और जब दोनों सेंटेंस हम मिलाकर कह रहे हैं तभी उसके मीनिंग पूरे हो रहे हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो याद रखिए कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लॉज हो, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो हम कहेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और जैसे कि हमने यहां पर विच इस्तेमाल किया, वेन एवर, हु एवर, वाट एवर, है ना, दैट, व्हाइल, इस तरीके के जो वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एज अ कंजंक्शन। तो यह था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम आगे देखते हैं जो तीसरी टाइप है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसे कहेंगे?